नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिहार में प्रीपेड बिजली मीटर की 1000 शिकायतें, लेकिन नीतीश नहीं मानेंगे। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का सरकार ने लिया फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के बिजली उपभोक्ता अपने घर में बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएं। बिल्कुल प्रीपेड मोबाइल की तरह, जितना पैसा भरवाइए उतनी ही बिजली मिलेगी। पैसे खत्म हुए तो बिजली खुद ब खुद गुल हो जाएगी। सूबे में अब तक लगाए गए प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नीतीश सरकार ने आज हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला ले लिया है। राज्य कैबिनेट ने पैसे की मंजूरी दे दी है, जिससे कि हर घर में बिजली उपभोक्ताओं के घर प्रीपेड मीटर लगाया जा सके। नीतीश सरकार ने सर्वे करा रखा है कि बिहार के हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने पर कितना पैसा खर्च होगा। सरकारी आकलन है कि इसमें 11,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। सूबे में बिजली का काम देखने वाली सरकारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है। लिहाजा बीते सोमवार को हुई कैबिनेट में ये तय किया गया है कि नाबार्ड से कर्ज लेकर प्रीपेड मीटर लगाया जाए। प्रीपेड मीटर पर खर्च होने वाले कुल 11,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपये बिहार सरकार ने दे दिया है और बाकी 8,000 करोड़ रुपये नाबार्ड से कर्ज लेकर खर्च करने की मंजूरी दी गई है। नीतीश कुमार की हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले शाहनवाज, बिहार में उद्योग की प्रगति की पूरी जानकारी महामहिम को दी। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे बिहार में उद्योग क्षेत्र की प्रगति की पूरी जानकारी साझा की। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने उन्हें एक सुंदर कलाकृति भी भेंट की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महामहिम से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। महामहिम ने उन्हें बिहार में उद्योगों के तेजी से विकास के लिए आशीर्वाद दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति बनने से पहले श्री रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे और बिहार के प्रति उनका स्नेह अभी भी पहले जैसा प्रगाढ़ है। उन्होंने कहा है कि बिहार की 14 करोड़ जनता की फिक्र हमेशा महामहिम को रहती है। बिहार में नहीं होगा ब्लैकआउट, सीएम नीतीश ने कहा। दूसरे जगह से महंगे दाम में खरीदी जा रही है बिजली, उत्पादन में कमी से हुई है परेशानी। देश भर में बिजली की आपूर्ति को लेकर मचे हाहाकार के बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है कि बिहार में बिजली की कमी नहीं होगी। राज्य सरकार दूसरे जगहों से ज्यादा दामों में बिजली खरीद रही है। पिछले दिनों बिजली उत्पादन में कमी आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटना में जनता दरबार कार्यक्रम में समापन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात की और कहा है कि ये सच है कि बिहार में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उसी के कारण समस्या हुई है। जहां ज्यादा दामों में बिजली बेची जा रही है वहां से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। पहले से सप्लाई कम हुआ है। उन्होंने कहा है कि विभाग लगा हुआ है, जल्द ही परेशानी खत्म हो जाएगी। सरकार पिछले 5 दिन में 570 लाख यूनिट बिजली खरीदी है, जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपया है। पटना में दुर्गा पूजा में बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। घर से निकलने के पहले रूट जान लीजिए। शारदीय नवरात्र में अष्टमी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे त्योहार का असर राजधानी पटना की सड़क पर दिखने लगा है। दुर्गा पूजा में अष्टमी से लेकर दशमी के बीच मेले का नजारा होता है। इसको लेकर पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। 12 से 15 अक्टूबर तक मालवाहक और यात्री वाहनों का परिचालन शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ये वाहन दानापुर कैंट से सगुना मोड़ होते हुए खगौल दानापुर स्टेशन जा सकेंगे। दानापुर स्टेशन से बेटा की तरफ जाने वाले वाहन नेवरा होते हुए जाएंगे एसपी वर्मा रोड, कोतवाली थाने के पूरब टाइटन वॉच मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ और छज्जूबाग तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। पटना म्यूजियम के चारों तरफ के मार्ग और बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी से पटना म्यूजियम तक वाहनों का पार्किंग वर्जित है। किसी भी वाहन का परिचालन अदालतगंज से आयकर गोलंबर की ओर नहीं होगा। सभी वाहनों को आर ब्लॉक चौराहे की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। भट्टाचार्य चौराहा पटना जंक्शन और स्वामीनंदन तिराहा की ओर से डाक बंगला की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। डाक बंगला चौराहे से कोतवाली तक दोनों पलंकों में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब सभी जिलों में खुलेगा पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय स्कूल। महिला सशक्तिकरण के लिए पहले से प्रतिबद्ध नीतीश सरकार ने बालिकाओं के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। स्कूली छात्राओं के लिए बड़ा फैसला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय स्कूल खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जननायक कारपुरी ठाकुर कल्याण छात्रावास के निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों, जननायक कारपुरी ठाकुर कल्याण छात्रावासों, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश सीएम ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से छात्र छात्राएं काफी लाभान्वित हो रही है। यह खुशी की बात है। राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत हो। बिहार के हायर सेकेंडरी स्कूलों में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, इन विषयों के शिक्षकों को मिलेगा मौका। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षक कुछ विशेष शर्तों या परिस्थितियों में रखे जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने इस संदर्भ में विशेष रूप से नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने पत्र में लिखा है कि 15 जून 2021 से प्रभावी अतिथि शिक्षकों की सेवा उसी विद्यालय में ली जाए जिस विद्यालय में विषय विशेष के शिक्षक स्थानांतरित होकर आए हैं, बशर्ते विद्यालय में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के पद स्वीकृत और रिक्त हों। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब करनी होगी पढ़ाई, दिसंबर से जुर्माना के साथ एक घंटे की लगेगी क्लास। बिहार में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पढ़ाई करनी होगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने सहित यातायात के अन्य नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी। परिवहन विभाग पूरे बिहार में इसका विस्तार करने जा रही है, तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में 14 जनवरी 2020 को 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर सुधारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सुधारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रशिक्षण केंद्र में बुलाकर 1.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए परिवहन भवन के ऑफिस में एक विशेष क्लासरूम तैयार किया गया है। ट्रेनिंग रूम में एक साथ 20 लोग बैठ सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक हर दिन 1.5 घंटे के 2 स्लॉट में ट्रेनिंग दी जाती है। किशनगंज में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, एक गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर किशनगंज पुलिस ने सोमवार को एक पटाखा कारोबारी के यहां छापेमारी की। पुलिस ने भारी मात्रा में वहां से विस्फोटक जब्त किया है। शहर के मोतीबाग में की गई इस छापेमारी के बाद पटाखा कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त विस्फोटक लाखों का बताया जा रहा है। मालूम हो कि शहर के मोतीबाग स्थित व्यवसायी दिनेश कुमार अग्रवाल के गोदाम पर छापेमारी कर करीब 300 कार्टून विभिन्न तरह के पटाखों को जब्त किया गया है। सदर थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के समीर कुमार की अगुवाई में यह छापेमारी की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 3 अरब 36 करोड़ मंजूर, बिहार कैबिनेट में 12 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा एक प्रस्ताव भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार के लिए दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 3 अरब 36 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दरभंगा एयरपोर्ट के लिए विस्तारित टर्मिनल के लिए जरूरत की जमीन का अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। यह उत्तर बिहार खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होगा। नीतीश कैबिनेट ने इसके साथ ही बागवानी मिशन अनुदान राशि देने पर भी मुहर लगा दी है। कोविड से मौत पर 4.5 लाख मुआवजा राशि देने और फसल क्षतिपूर्ति के लिए 550 करोड़ राशि मंजूर करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। आपदा राहत राशि के लिए 50 करोड़ राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
परदेशियों की घर वापसी पर संकट, बिहार आने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट हुई लंबी। बिहार के कुछ प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण त्योहार में परदेशियों की घर वापसी मुश्किल होती जा रही है। रेलवे ने त्योहार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 12 अक्टूबर से छठ के बाद तक चलेंगी। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के साथ ही मारामारी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर, आनंद विहार सहित प्रमुख महानगरों से उत्तर बिहार के लिए चलने वाली सभी ट्रेनों में बुकिंग काफी तेजी से हो रही है। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल गई है, इससे यात्रियों को और काफी परेशानी हो रही है। पूर्व में ही किसी ट्रेन में सीटें नहीं है। मुंबई की ट्रेनों में सीटें रिग्रेट है, अब उसमें टिकट वेटिंग भी नहीं कट सकती है। रेल यात्रियों ने मुंबई, अहमदाबाद आदि राज्यों से भी ट्रेनों का चलाने की मांग की है। यात्री मनोज कुमार ने कहा कि दिल्ली की ट्रेनों में जगह नहीं है, छठ व दीपावली में बिहार आना मुश्किल हो रहा है। अब अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन होने के बाद ही राहत मिलेगी। रेल अधिकारियों ने कहा कि अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही कई ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।